अरविंद केजरीवाल की गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। बावजूद इसके केजरीवाल कांग्रेस के साथ किसी किस्म के समझौते के पक्ष में नहीं है। वह एग्जिट पोल के नतीजे हैं और इस बात के संकेत कि नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन में भगदड़ मचना तय है। इसी वजह से नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने वाले हैं। यही वजह है कि केजरीवाल ने पंजाब की सभी सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में से कोई पंजाब में सीटों को लेकर समझौते के मूड में नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के गुरदासपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले हम 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े, 4 सीटें आई, 2019 में 1 सीट आई। इस बार जितना प्यार और आशीर्वाद आप लोगों से मिल रहा है, मेरा भी दिल कहता है गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इस बार 13 में से 14 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी के पंजाब के अंदर। दरअसल अरविंद केजरीवाल पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात कर रहे थे। पंजाब में साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राज्य की एकमात्र संगरूर सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि भगवंत मान के सीएम बनने के बाद आम आदमी पार्टी चुनाव में इस सीट से हार गई। 2019 में पंजाब में बीजेपी 2, कांग्रेस 7 और शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों पर जीती थी। पंजाब के अलावा दिल्ली में दोनों ही पार्टियों के नेता सभी लोकसभा सीटों पर दावा जता रहे हैं। इसी वजह से टिकट बंटवारे के दौरान दोनों दलों में रार की प्रबल संभावना है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2019 के अलावा साल 2014 में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़े मार्जिन से मात दी थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।